क्लास 11। आज हम हमारा अगला पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है पत्रकारिता के विविध आयाम। यह पाठ हमारे पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है, तो आज हम इसे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि पत्रकारिता क्या है। तो हम देखते हैं कि देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का संकलन किया जाता है, उन सूचनाओं को संकलित करके समाचार के रूप में हम तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्रम में ये प्रक्रिया जो होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता का जो क्षेत्र होता है वो भी अत्यंत व्यापक हो जाता है, क्योंकि उसे इन तीन स्तंभों की निगरानी करनी पड़ती है, साथ ही साथ उन्हें जनहित के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जनसामान्य का मार्गदर्शन भी करना पड़ता है, ताकि जन सामान्य जो लोग हैं वे गलत दिशा में न जाए, कुछ ऐसा उनके द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा सकती जो कि जनहित को, जनसामान्य को गलत दिशा में ले जाए। और आज हम देखेंगे कि पत्रकारिता के नए नए जो आयाम हैं वो विकसित होते गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं वो क्या क्या हैं। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। इसी प्रकार से पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो सूचना या फिर समाचार पहुंचाना होना चाहिए, जो कि प्रारंभिक समय से हम देखेंगे कि यही उद्देश्य रहा है, जनहित को सही सूचना देना, जनहित का मार्गदर्शन करना और जनहित को सचेत करना, जन को सचेत करना। तो इस प्रकार से हम देखते आए हैं कि पत्रकारिता के ये कार्य हैं, पर धीरे धीरे पत्रकारिता जो है वो अपना आयाम बदल रही है और हम देखेंगे कि पत्रकारिता में तरह तरह के अन्य क्षेत्रों को भी लाया गया है, मनोरंजन हो, इस तरह के अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। पर मूल रूप से जो पत्रकारिता का उद्देश्य है वो जन सामान्य को सही राह दिखाना, जन सामान्य के हित की बात करना है। तो इस तरह से पहला जो आयाम है वो है संपादकीय, अर्थात संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है। संपादक के नाम पत्र इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। अगला है फोटो पत्रकारिता। जिन बातों को हम हजार शब्दों के माध्यम से भी उतनी स्पष्टता से नहीं कह पाते हैं, उन्हें हम फोटो या तस्वीर के माध्यम से अच्छी तरह से कह पाएंगे। तो उस फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचार को हम फोटो पत्रकारिता कहते हैं। उसके आगे आता है कार्टून कोना। जब कार्टून के माध्यम से हास्य व्यंग्य का प्रयोग देकर कई विचारों और बातों को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है जो पाठक के हृदय को छू जाता है, उसे ही कहते हैं कार्टून कोना, जो कि हम देखेंगे समाचार अखबार में मिल जाता है हमें। रेखांकन या फिर कार्टोग्राफ, तो ये क्या है, ये ग्राफ के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे क्रिकेट वगैरह के स्कोर जब बताने होते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, जब आंकड़े दिखाने होते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है समाचार पत्रों में या फिर टेलीविजनों में। तो इस तरह से हमने देखा कि पत्रकारिता के विविध आयाम कौन कौन से हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि पत्रकारिता के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो पत्रकारिता जो है वो दैनिक इतिहास का लेखन माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दिन के इतिहास, हर दिन में जो घटना घट चुकी, क्योंकि वो इतिहास में चली जा चुकी है, तो उसका ही यहाँ लेखन होता है। और इसीलिए जो इसके माध्यम से पत्रकार रोजमर्रा के उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं उनको अखबार के पन्ने में वो अंकित कर देते हैं। अपनी जो पत्रकारिता की जो
जो मुख्य कार्य है वो मैंने ही पहले ही बता दिया कि वो क्या है, पर उसके साथ साथ हम देखते आ रहे हैं कि उसमें अन्य तरह तरह के क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि पत्रकारिता के कितने रूप हो सकते हैं या फिर है। तो पत्रकारिता का जो पहला रूप है वो है खोजपरक पत्रकारिता। तो खोजपरक पत्रकारिता जिसमें किसी सूचना या तथ्य को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है उसे कहते हैं खोजपरक पत्रकारिता, जहाँ पे हमें खोजना पड़े, जहाँ पे हमें छानबीन करना पड़े कि ये घटना हुई तो वो कैसे हुई, इसके बारे में जानना हो, उस तरह के पत्रकारिता को हम खोजपरक पत्रकारिता कह सकते हैं, जो कि भारत में अभी प्रारंभिक दौर में है, मतलब अभी शुरुआती दौर में है। इसके अंतर्गत हम भ्रष्टाचार जैसी व्यापक समस्या को सामने लाने की जो प्रक्रिया है उसे रख सकते हैं। उसके बाद आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। तो इस पत्रकारिता के अंतर्गत किसी विषय के बारे में लिखा जाता है, किसी खास विषय की विषय को लेकर इसमें बात की जाती है, उसे कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। उसके बाद अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। तो इसमें किसी प्रकार की कोई घटना हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस पे उसे देखकर प्रतिक्रिया दी जाती है, वो घटना क्यों हुई इस पर प्रतिक्रिया होती है, उसे कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। उसके बाद अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता, जिसमें किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ाने और उसके लिए जनमत तैयार करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि कोई एक विषय मुद्दा उठाया गया और उसमें लोगों का जनमत तैयार किया गया, उसे ही कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। उसके बाद आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। तो ये विकल्प के रूप में लिया जाने वाला एक रूप है जिसे हम वैकल्पिक पत्रकारिता कह सकते हैं। वास्तव में पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और ऐसे में ऐसे मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया भी कह सकते हैं। इस तरह की मीडिया जो है उसकी व्यवस्था की अनुकूल धारा में कार्य करता है, जबकि कुछ मीडिया होते हैं जो राजनीतिक या फिर सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं काम करते हैं, वो उसके प्रतिकूल में कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। इसके बाद हम देखेंगे संपादन। संपादन क्या है? तो समाचारों को एकत्र करने के बाद जो संपादक या फिर सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक या उप संपादक आदि जो लोग होते हैं वे उन्हें सही रूप में छपने के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही संपादन कहा जाता है और वो तैयार होने के बाद वो हम तक, पाठकों तक वो पहुंचती है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है लिखावट में या फिर बात को कहने में। ये संपादन का ही कार्य होता है और संपादन के अंतर्गत आने वाले संपादक लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ये। तो संपादन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उन सिद्धांतों को लेकर ही हम देखेंगे कि पूरे जो घटना है, पूरी जो सूचना है उसे एक रूप दिया जाता है पाठकों तक पहुंचाने के लिए। तो उसमें कुछ तथ्य है, वे तथ्य कौन कौन से होते हैं? वे तथ्य हैं, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, तथ्य परकता होनी चाहिए, मतलब वो शुद्ध होना चाहिए, जो घटना जो जिस विषय में हम लिखने वाले हैं या जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो शुद्ध रूप में मौजूद हो ताकि पाठक उसे समझ पाए। उसमें वस्तु परकता होनी चाहिए, किसी प्रकार की पहले की धारणा या फिर किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से वो ग्रसित ना हो, वस्तुपरक हो, जो घटना घटी है वो वस्तुपरक होनी चाहिए, जो सूचना है वो वस्तुपरक होनी चाहिए।
हमने देखा पहला जो तथ्य है वो शुद्धता है, दूसरा वस्तुपरकता, तीसरा है निष्पक्षता, अर्थात किसी घटना का घटना और उस घटना को लिखित या फिर मौखिक रूप में पाठकों तक पहुंचाना ये निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, किसी पक्ष के प्रति किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। इसके अगला जो पॉइंट है वो है संतुलन। अगर निष्पक्ष नहीं है तो संतुलन नहीं होगा, निष्पक्ष है अर्थात दोनों में संतुलन बना हुआ है, मतलब समाचार जब कहा जाता है तो वो जो अपराधी है और जो अपराधी नहीं है उन दोनों के बीच में निष्पक्ष रूप से सूचना को देना चाहिए, किसी एक पक्ष की तरफ झुककर हम समाचार को पाठकों तक पहुंचा नहीं सकेंगे। और उसके साथ साथ अंतिम है स्रोत, अर्थात जो घटना या सूचना घटी उसको कहां से उपलब्ध किया गया या फिर कैसे उसे प्राप्त किया गया, उसे कहते हैं स्रोत। उसके साथ साथ आगे हम देखेंगे समाचार लेखन। तो हमने देख लिया कि सूचना किस तरह से संपादक के माध्यम से हम तक पाठकों तक पहुंचती है, तो ये समाचार लेखन कैसे होता है, समाचार लेखन का जो लेखन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम किन किन बातों को रख सकते हैं। तो समाचार लेखन की जो आवश्यक बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान हमें होना चाहिए, कौन सी घटना घटी, कौन सी विषय पे हम लिख रहे हैं उसके विषय में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम समाचार लेखन कर सकते हैं। उसके साथ साथ समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है, और समाचार लेखन में चार सकारों का ध्यान रखना जरूरी है। वे चार सकार कौन कौन से हैं? सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुरुचि, अर्थात जो घटना घटी वो सत्य होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, वो संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए, ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, और सुरुचि होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, जो भाषा जो है जो हम प्रयोग करेंगे वो रुचिकर हो। और समाचार में जब हम समाचार लेखन जब होता है तो जो अनुच्छेद होते हैं, जो पैरा जो होते हैं वो विभाजित होने चाहिए, एक ही क्रम में लिखकर उसे अंत नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे अनुच्छेद के रूप में अलग अलग में लिख सकते हैं, और वे अनुच्छेद ज़्यादा बड़े नहीं हो, संक्षिप्त हो, ताकि पाठक जो है वो उसे पढ़कर आसानी से उसे समझ सके। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही शब्द प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो शब्द नहीं प्रयोग में लाने हैं वो प्रयोग जबरदस्ती नहीं करने चाहिए। ये सब बातें समाचार लेखन के लिए आवश्यक हैं। आगे हम देखेंगे समाचार लेखन के प्रकार। तो समाचार लेखन के दो प्रकार हैं, एक है विलोम स्तूपी पद्धति और एक है ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति, जिसे हम पहली जो पद्धति है हम उसे उल्टा पिरामिड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पिरामिड के आकार से उल्टे रूप में हम देख सकते हैं। आप सभी अपने अपने बुक में देख सकोगे कि किस तरह से दोनों प्रकारों को दिया गया है। विलोम स्तूपी पद्धति जो है उसमें पहले क्या हुआ, फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक थे, इस तरह से उसका लेखन किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है ऊर्ध्वस्तूपी, उसमें पहले महत्वपूर्ण कारक कौन से थे ये बताया जाता है, फिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ ये बताया जाता है। तो पहली जो पद्धति है वो उल्टा पिरामिड पद्धति है, और जो दूसरी पद्धति है ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति वो पिरामिड के रूप में देखने को आप लोगों को मिलेगी अपने पुस्तक में, तो उसे देख सकते हैं। उसके बाद है समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो अभी जो हमने बात की जो समाचार लेखन के जो दो प्रकार हैं उसके अंतर्गत ही छह ककार आते हैं जो कि समाचार लेखन के तत्व हैं, अर्थात किसी भी समाचार को जब हम लिखते हैं तो कुछ प्रश्न सामने आते हैं, उन प्रश्नों को समाधान करते हुए ही समाचार
लेखन होता है और उसे ही समाचार के तत्व कहते हैं, जैसे कि क्या घटित हुआ, क्या घटा, कब घटना घटी, कब घटा, कहाँ घटना घटी, कौन घटना से संबंधित है, क्यों घटना घटी और कैसे घटना घटी। तो ये जो 6 तत्व हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, इसे कहते हैं 6 ककार, और यही है समाचार के तत्व। इन तत्वों के माध्यम से ही समाचार को हम लिखित या लेखन रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेखन रूप में बना सकते हैं। इसके बाद है समाचार के प्रकार। समाचार के मुख्य 4 प्रकार हम देख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा है प्रादेशिक, चौथा है स्थानीय। राष्ट्रीय जो राष्ट्र के संबंधित हो, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं या फिर सूचनाओं के बारे में हमें जानकारी दे, प्रादेशिक अर्थात जो प्रदेश विशेष की घटनाओं या सूचनाओं की हमें जानकारी दे, स्थानीय मतलब जो स्थान विशेष की घटनाओं या फिर सूचनाओं की हमें जानकारी देता हो। तो इस तरह से समाचार के 4 प्रकार हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समाचार के कितने प्रकार हैं। इसके आगे समाचार लेखन के विभिन्न चरण, जिसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि समाचार लेखन के लिए कौन कौन से चरण ज़रूरी है। जिस तरह से हम पत्र लेखन करते हैं, निबंध लेखन, इनके भी अपने अपने चरण होते हैं, उसी तरह से समाचार लेखन के भी चरण हैं। जैसे कि पहले शीर्षक, पहले हमें शीर्षक में बताया जाता है कि हम कौन सी घटना है, उसे शीर्षक रूप में बता दिया जाता है। उसके बाद स्रोत, अर्थात ये जो सूचना मिली ये कहाँ से मिली, कैसे प्राप्त हुई उन लोगों तक। उसके बाद है आमुख या फिर जिसे हम कह सकते हैं मुखड़ा, मतलब जो घटना घटी वो क्या है और कहाँ घटी और कब घटी, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर उस मुखरे के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद जिसे हम कहेंगे कलेवर या फिर बॉडी, मतलब जो घटना घटी उसको विस्तार रूप से अच्छी तरह से बताया जाता है। उसके बाद अंतिम है संक्षेपण, मतलब जो घटना घटी उसे संक्षिप्त रूप में बताया जाता है। तो इस तरह से इन चरणों के माध्यम से समाचार लेखन होता है। समाचार लेखन जो समाचार पत्रों के जो विभिन्न विशेष पृष्ठ हैं उनके नाम भी गिना देती हूँ। वे नाम हैं संपादकीय पृष्ठ, विचार पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, प्रदेश पृष्ठ, स्थानीय पृष्ठ। तो इस तरह से हम देखेंगे पृष्ठ होते हैं समाचार पत्रों में, जो कि अलग अलग विषय से जुड़े होते हैं। अब समाचार पत्रों के कार्य पद्धति में संबंधित जो व्यक्ति है वे कौन कौन से होते हैं, समाचार जो प्रक्रिया जो संपादन से लेकर छपने तक और पाठकों तक पहुंचने तक में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कार्यरत होते हैं, तो उनके नाम हैं संपादक, जो कि संपादन का कार्य करता है, स्थानीय संपादक, समाचार संपादक, सहायक संपादक, समाचार उप संपादक, पृष्ठ प्रभारी, उप संपादक, संवाददाता, प्रूफ रीडर, पेज मेकर, छायाकार, कलाकार, कार्टूनिस्ट। तो ये इस तरह से अलग अलग जो व्यक्ति हैं वे व्यक्ति मिलकर हम तक समाचार को पहुंचाते हैं और हमें वो सूचना प्राप्त होती है। इस तरह से समाचार माध्यमों में मौजूद जो रुझान है उसे भी हम देख लेते हैं, मतलब किस ओर समाचार का झुकाव है। तो इसमें कुछ बातें जो है वो जाननी ज़रूरी है, वो है अभी हम देखेंगे कि समाचार मीडिया या पत्रकारिता में सनसनीखेज या फिर जिसे हम कहेंगे पित पत्रकारिता का प्रचलन अधिक से अधिक हो रहा है, जिसके माध्यम से कोई अफवाह हो, कोई खुलासा हो, किसी प्रकार की गपशप हो, उसे प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ पेज 3 पत्रकारिता की धारणा भी बढ़ती जा रही है, जिसमें फैशन, जाने माने लोगों की पार्टियों, उसके निजी जीवन के बारे में बताया जाता है और लोग उस ओर आकर्षित भी होते हैं। तो ये सब है आज के समाचार जो
है, उनके रुझान किस तरफ है। उसके बाद है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन कुछ खास महत्वपूर्ण, तो स्तंभ लेखन जहाँ कोई लेखक अपनी बातों को रखता है, तो ये हम देखेंगे कि समाचार पत्रों में ये हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है, उसमें पाठक अपने विचार समस्याओं को व्यक्त करता है जो कि संपादक तक पहुँचे। उसके साथ साथ लेख होते हैं जो कि किसी विषय से जुड़े होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार जो कि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का जो साक्षात्कार लिया जाता है उसे भी हम देखेंगे कि समाचार में रखा जाता है। विशेष लेखन जो किसी विशिष्ट विषय पर लिखा गया हो उसे हम देखेंगे समाचार में, खबरों में जगह मिलती है, जिसे बीट लेखन भी कह सकते हैं, जो कि अन्य अन्य क्षेत्रों से हो सकते हैं जैसे कृषि, खेल, विदेश, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य अन्य लेखों से जुड़े हुए जो लेखन होते हैं उन्हें हम बीट लेखन कह सकते हैं, वो विशेष लेखन होते हैं। तो इस तरह से पूरी जो पत्रकारिता की जो प्रक्रिया है वो चलती है और वो हम तक पहुँचती है। धन्यवाद।